तो यहाँ पे तनू छिल रही है पेठा। पेठे की सब्जी बनाई थी कितनी कितनी मतलब कितनी देर में छिल भी जाए यार। बहुत मुश्किल है, बहुत मैं पहली बार छिल रही हूँ तो मम्मी छिल के देती है हमेशा। हाँ मम्मी छिलती है बहुत ही वो है इसका छिलका। मम्मी क्या ही रहती है इसका छिलका ना मोटा होता है, इस वाले पेठे का मोटा होता है। और ये वाला लिया था ना हमने बीज, देख कितने सारे हैं बट इसके अंदर। पहले ये कर लेती हूँ, सारे बना लेती हूँ है ना, सारे ही बना ले। वैसे भी ये वो बनने के बाद वैसे भी वो हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। हाँ हमारे करेले भी तो हो गए थे, बहुत टेस्टी बने थे, अच्छे लगे थे खाने में ना। और अब ये करेले पेठा बन जाएगा। और आज इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, पेठा ना काटना बहुत वो है ना, सख्त होता है, बहुत ज्यादा ही सख्त होता है। और बारिश हो रही है आज सुबह से बाहर, कल ठंडा मौसम हुआ था, तुमने उल्टा बता दिया था कल। हाँ मुझे ये नहीं पता, तुमने ये बोला था एक हफ्ता बारिश होनी है, बट आज हो रही थी सैटरडे से। हाँ तो मैंने कल बताया था ना, तुमने कहा था कल होनी थी, तुमने नहीं। मैंने कल का कहा था कि कल होनी है, मैंने कहा आज बारिश होनी है, बट अब हो मैं को नहीं पता था कि सैटरडे को होगी। ठीक है अब एक हफ्ते गया। हाँ अब एक हफ्ते गया, ना हो तो मुझे नहीं पता। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कोई वो नहीं हूँ गूगल जो बता दू। सुन इसमें वो डालते हम लहसुन, मम्मी से पूछ के आई हूँ ठीक है, लहसुन भी डालना है डालते ही शायद है ना, थोड़ा सा डाल देंगे हम। पहले मैं पेठा तो बनाती थी बट मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं लहसुन डालती हूँ। पेठा एक पेठा हम ना बहुत कम कम बनाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही कम, तो भूल ही जाती हूँ कैसे बनाते हैं। लहसुन वैसे डाल सकते हैं ना, डालती हूँ मत डालियो, मम्मी कहती है हरी मिर्च मत डालना, तुम हरी मिर्च डालना, वैसे भी शायद होगी भी मेरे ख्याल से बट देख लेंगे। और टमाटर के हमने बीज निकाल के डालने हैं। हाँ मेरे को याद है। ठीक है तो अभी मैं जा रही हूँ, उतने फिर झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर तू सब्जी बना ले उतने, आती हूँ मैं झाड़ू लगा के वापस। तो हमने पेठा जो है वो सारा के सारा कट कर लिया है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा होता है बट जब कट करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बनने के बाद फिर थोड़ा हो जाता है। हाँ ये रहता है। घी जो तेल है वो गर्म हो चुका है, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसके अंदर जीरा, क्योंकि जीरे का पेठे में टेस्ट अच्छा आता है, जीरा थोड़ा अच्छा लगता है। मैं हींग डाल दूँ डोली है ना, हींग डाल दे और जीरा थोड़ा सा अच्छे से भून जाएगा, फिर हम बनाएंगे वो कांगड़ी। ये जीरा डालने के बाद भुन गया जीरा, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हिंग, हिंग से खुशबू भी अच्छी आती है। और मैं यहाँ पे लहसुन का यूज कर रही हूँ क्योंकि हम लहसुन डालते होते हैं, मुझे ध्यान नहीं था तब, सो मैंने थोड़ा सा तीन चार का ले लिया मोटा मोटा लहसुन डाल रही हूँ। इसमें कोई आया है पानी वाले आए हो शाम शाह ले लेते, और मैं अभी इसमें डालू लहसुन रोन सुपजा। नेट क्या है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से लाइट भी नहीं है मेरे को लग रहा है। वो क्या ये तो वो चल रहा है ना बाहर वाला। अच्छा। मेरे ख्याल से लाइट वो लाइट नहीं है, मतलब इन्वर्टर जो उधर चलता है ना वो चल रहा है। बारिश तो रुकी बट है ना। हाँ बारिश तो रुकी। तो मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह डाल दिए थे, लहसुन भी और हरी मिर्च भी, और पानी देने वाले भैया आ गए थे तो पानी देते थे। और ये टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं बिना बीज के अच्छे से, और रस्ता है बट हमारी आदत है, हम जब कुछ बना रहे होते ना हमें भूख लगने लग जाती है, बट ये हो जाता है कि फिर बनाने के बाद फिर भूख मर जाती है, बनाते बनाते लगने लग जाती है। वॉश कर देंगे थोड़े से कच्चे पक्के प्याज हो जाएंगे, फिर हम डाल देंगे इसमें टमाटर, सूखा धनिया डाल देती हूँ है ना, प्याज इसी में सूखा धनिया डाल देती हूँ, सूखा धनिया भी भून नहीं जाएगा फिर। तू धो दे डोली ये। ठीक है चलिए पेठा आपको मैं धो। तनु हमारे प्याज बिल्कुल करारे हो गए, मैं डाल ही रही, ये थोड़ा सा रह गया था ना कटना, वो तो कटा ही हुआ है जैसे मैंने धोया था। पिसता नहीं ना डोली ये देख। हाँ तो बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना वही नहीं पिसते है ना। हाँ वो थोड़े से वो रह जाते हैं मोटे मोटे, हम ना मैश कर देते हैं एक मतलब अभी थोड़ी सी मैं हल्दी भी डाल रही हूँ इसी में, हम ना मैश करके बनाते हैं, जैसे भाजी होती है ना जो वो कंचन कह रही थी उसकी जो वो है वो वाला बनाते हैं, वो छोड़ हमने मैश करके खाया ना हमेशा,
इसलिए हमें हैवी चीज की चीज किया, बट वो वाला भी टेस्टी बनता है ना, जैसे बहुत टेस्टी बना हुआ था वो भी खाने में, वो वाला भी अच्छा होता है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और अब थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मम्मी ने पहले ही बोला लाल मिर्च कम डालना, बिल्कुल निक्की सी डाल रही हूँ लाल मिर्च। हल्दी मैंने डाल दी, सूखा धनिया डाल दिया, अब क्या डालूँ, थोड़ा सा निक्का सा गरम मसाला, नमक का है, नमक ही नहीं डाला, थोड़ा सा नमक याद है मुझे, थोड़ा सा नमक बस, इसमें नॉर्मल भी डालता है नमक, मिर्च हल्दी सूखा धनिया, और कुछ लोग जैसे खट्टा मीठा करने के लिए, खट्टा करने के लिए आमचूर डाल देते हैं, और वो डालते हैं वो क्या होता है अम्बी, अम्बी डालते हैं और चीनी भी डाल देते हैं खट्टा मीठा टेस्ट के लिए, गुड़ हाँ। डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो हम तो नॉर्मल नमक ही बनाते हैं, हम खट्टा मीठा नहीं बनाते। तो ये वाला पेठा मम्मी कह भी रही है कि मीठा बनेगा बहुत, तो अगर मीठा ज्यादा बना तो हम थोड़ा सा आमचूर डाल देंगे बाद में, बट पहले मैं देख लेती हूँ, नहीं तो अभी मैं कुछ भी नहीं डाल दूँगी इसके अंदर, पीस जाए अच्छे से, फिर हम डाल देंगे इसको सारे के सारे। आज से फिर भूल चुका है, अब हमें करेंगे एक काम, मैं बताऊँ कुछ को, तो ये किस चीज को पसंद है, ये तो मुझको और तन्नू को तो बहुत पसंद है, हम दोनों तो यही काम करते हैं, जब भी तड़का लगा रहे हो तो अगर ब्रेड पड़ी हो तो निकाल के खा लेंगे, तड़के के ऊपर रख के, सॉरी तड़के के ऊपर नहीं ब्रेड के ऊपर रख के हाफ हाफ खाएंगे दोनों, बट पहले तो इसमें पेठा डाल दे, डाल दीजिए, तो ये हम थोड़ा सा ऐसे भी खा लेंगे, हम इसको अब रख देंगे थोड़ी देर के लिए गैस पे स्टीम में बनने के लिए, ठीक है, ठीक है, और फिर हम इसको आप ढक देंगे और थोड़ी देर में हम इसे करेंगे मैश, थोड़ी देर में इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ना ये अच्छे से रस जाएगा ना, तो अच्छे से अपने आप ही मैश होता रहेगा, बाकी सारा कुछ सब थोड़ी देर में कर लेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो आपने ब्रेड को तोड़ा हुआ है ये खाना होता, उसको खाना बहुत टेस्टी होता। सो कंचन अपना डाल रही है यहाँ पे लंच, कद्दू जो है ना क्या कहते हैं, मुझे ऐसे अभी पिसा हुआ जो तुमने बनाया है ना, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सासू माँ ने बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया था, वैसे मैंने अभी इवन चकम और इन तुमने बनाया, तुमने भी अच्छा बनाया होगा, मेरी सासू माँ ने बहुत टेस्टी बनाया था कद्दू, बहुत चटपटा था, अलग था, कुणाल का कॉल है, अच्छा। और सुन ना मैं यार ये पता है अच्छा तो है, ये डोली ने पता क्या किया, मैंने इसको रख दिया था बनने के लिए और वो ना ऐसे ही करती है कि कभी भी ध्यान नहीं देती, और वो मैं तेज गैस पे रखी गई थी स्टार्टिंग में, बेवकूफ लड़की ने ध्यान ही नहीं दिया, थोड़ा सा जला दिया उसने डोली ने, तभी थोड़ा सा अलग सा टेस्ट है, बट ठीक है वो थोड़ा सा काला, तभी कद्दू खाऊंगे खाते रह जाऊंगे फैन हो जाऊंगे, तू ले आई अगली बार आएगी तो यार श्योर ले आऊंगी, खा लेंगे हम, ओके चटपटा सा था बिल्कुल ना, यस। आज ये वाला हमने पहली बार बनाया, बट ये वाला हम तो दूसरे वाला बनाते हैं, कौन से वाला पता नहीं, कोई दूसरा बनाते हैं, ये तो पीले रंग का कोई दूसरा था, एक आंटी लेने आई हुई थी तो वो बोली ये बहुत टेस्टी बनता है, तब करके डोली मैंने भी ले लिया, फिर हमें इतना अच्छा नहीं लगा, बट ये वाला ठीक है अच्छा है, खा लेंगे अपा तो सब कुछ खा लेते हैं यार, डॉगी से लड़ रही है, सारा गंदा हो गया इसमें, ये बिल्कुल ये ड्रोन भी पूरा बदला ले लिया, हाँ, उससे तो पूरा बदला ले रहा है, कल वो मेरे सामने ही गिर है सारा, मेरे ऊपर गिर गया सारा पानी, गया नहीं वो अभी उस साइड गया, उसको फिर देख के भूखने लग गया, और वो भी पूरा शुरू है, वो भी चुप नहीं कर रहा, वो एक लड़की लेकर आई थी अपना लेवर, वो कहती तुम दोनों ही लड़ रहे हो, मैं वापस जा रही हूँ, वापस लेके भागी वहीं से, कहेगी इनके बीच में मेरा लैब ऑफिस जाएगा दोनों, अच्छा वेदर रखा है, और रोशनी ने तो आज पूरी बालकनियां गंदी कर दी थी, क्योंकि नीचे घूम कर आए थे ना हम, तो मिट्टी में घूम कर आया था वो सारा के सारा, उसने घर बहुत गंदा कर दिया था, फिर हमने बालकनियां वगैरह धोई, फिर मैं वापस मैंने फिर चेंज किया फिर से, अभी तन्नू चाय बना रही है तो मैं तन्नू के पास ही जा रही हूँ, चलते चलते नहीं कर रहा
रखे क्या, सारा पानी पानी वो रखे ना? हाँ, क्योंकि वो फ्रिज जो है ये बर्फ वाला हो गया था ना, भर गया था पूरा, तो अब ये पूरी पिघल गई है। देख इस तरीके से बंद कर दिया ना तो वो पूरी पिघल भी जाती है। पहले मैंने इसको वो किया था ऑफ, फिर उसके काफी देर बाद जाके मैंने इसे बंद कर दिया था। चीनी नहीं है, चीनी मंगवा ली मैंने, मंगवा ली मैंने अभी अभी मंगवाई थी 10-15 मिनट पहले ही। ले लीजिए शुगर और ये लीजिए सामान, ये रहा। तो आप चाय बनाइए टेस्टी सी। इलायची फोक नहीं, इलायची तो ठीक है। पीनी है चाय? हाँ, क्यों नहीं पीऊंगी भाई मैं, जब मैं बनाती तो भी पीती हूँ ना मैं। खुद अपना पूरा गेट खोल कर आ गया, ये वाली विंडो बंद कर रखी थी, और ये भाई साहब आ गया फटाफट अंदर। देख अब सुन भी नहीं रहा, पागल है ये पागल पूरा।